आज के लेसन में जानते हैं रेलेटिव प्रोनाउन की कुछ और तफसील देर आर सम समेटिव प्रोनाउन्स दे आर कॉल्ड कंपाउंड रेलेटिव प्रोनाउन्स के कुछ प्रोनाउन्स uh, ऐसे हैं रेलेटिव प्रोनाउन्स से ही हैं बट दे आर कॉल्ड कंपाउंड रेलेटिव प्रोनाउन्स अब ये कौन से हैं देखिए हुए हु सो हु सो एवर विच एवर वट एवर वट्स हुए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इन मॉडर्न लैंग्वेज देयर यूज हैज़ बिकम वेरी लिमिटेड कि अब मॉडर्न लैंग्वेज में इनका इस्तेमाल नहीं किया जाता इन्हें रिप्लेस कर दिया जाता है रिलेटिव प्रोनाउन से देखते हैं कैसे uh, देखिए इन सेंटेंसेज की हेल्प से हुएवर वॉन्ट्स टू कम इज वेलकम्ड हुए कम इज़ वेलकम कम्पाउंड रेलेटिव प्रोनाउन इज यूज हु एवर यहाँ हु एवर का इस्तेमाल किया गया है कि जो भी आना चाहता है उसे वेलकम किया जाता है इन मॉडर्न लैंग्वेज हु एवर इज रिप्लेस विद हु मोस्ट ऑफ द टाइम इट वॉज यूज इन ओल्ड इंग्लिश तो ट्रस्ट गॉड विल बी रिवार रिप्लेस किया जाता है रिलेटिव प्रोनाउन हु या हु एवर से द मीनिंग इज द सेम या मीनिंग सेम रहेगा मीनिंग पर कोई फर्क नहीं आता आई विल कॉल होम एवर यू सजेस्ट आप जिसको भी सजेस्ट करेंगे मैं उसे कॉल कर लूंगा द कंपाउंड रैलिटिव प्रोनाउन इज यूज हेयर यू कैन चूज विच एवर यू वॉन्ट वट एवर ही सेज कम्स टू वट्स यू फाइन टू डू

क्योंकि इसकी इस प्लेस को चेंज करने से सेंटेंस के मीनिंग में चेंज आ सकती है लुक एट द सेंटेंस द गर्ल हु वन द प्राइज इन टेनिस इज द डॉटर ऑफ माई फ्रेंड लुक एट द सेकेंड सेंटेंस सेंटेंस इज द सेम बट द पोजिशन ऑफ प्रोनाउन हैज बीन चेंज द गर्ल इज द डॉटर ऑफ माई फ्रेंड हु वन द फर्स्ट प्राइज इन टेनिस यू कैन सी वेन वी चेंज द प्लेस ऑफ प्रोनाउन हु द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस हैज बिकम चेंज इन द सेकेंड सेंटेंस हमें आइडिया इस तरह से हो रहा है कि द गर्ल इज द डॉटर ऑफ माई फ्रेंड हु वन द फर्स्ट प्राइज इन टेनिस के ये प्राइज किसने लिया था मेरी फ्रेंड ने जिसकी वो बेटी है जबकि फर्स्ट सेंटेंस में हम देख रहे हैं द गर्ल हु वन द

आई विद माई फैमिली विच कंसिस्ट ऑफ माई पेरेंट्स एंड सिबलिंग रिसाइड इन अलेजी टू कीप इन माइंड डेट वी शुड यूज अ रिलेटिव प्रोनाउन एट द राइट प्लेस ऑफ द सेंटेंस कि सेंटेंस में उसे सही प्लेस पर यूज करना जरूरी है सीक्वेंस का ख्याल रखना जरूरी है अदरवाइज इसका मीनिंग इफेक्ट हो सकता है तो दिस थिंग यू शुड कीप इन माइंड ओके नेक्स्ट इज ओमिशन ऑफ रेलेटिव प्रोनाउन रेलेटिव प्रोनाउन को सम केसेस इन्हें ओमिट किया जा सकता है ओमिशन मीन के इसे रिमूव कर सकते हैं खत्म कर कॉमनली इन स्पोकन लैंग्वेज और इन मॉडर्न लैंग्वेज स्पोकन लैंग्वेज में इनका यूज ओमिट किया जा सकता है देर इज समन एट द डोर हु वॉन्ट्स टू सी यू हु कैन बी ओमिटेड इन दिस सेंटेंस यू अगर हम इसे ये कहें देर इज समन एट द डोर वॉन्ट्स टू सी यू इन फैक्ट यहाँ स्टैंड करता है जिसे हम समझ सकते हैं there are some people whom i want to avoid. in this sentence relative pronoun whom can be omitted the books that you gave me are very useful uh, in this sentence relative pronoun that can be omitted look at if we omit this sentence the books you gave me are very helpful the sentence is complete the mangoes were sweet which i bought yesterday. Uh, here uh, relative pronoun which can be omitted in this sentence. the mangoes were sweet. I bought yesterday the sentence complete without these relative pronouns and the okay, interrogative pronoun. वट आर द इंट्रोगेटिव प्रोनाउन सम दे आर द सेम वर्ड एज रेलटिव प्रोनाउन ये भी वही वर्ड है जो कि रेलेटिव प्रोनाउन है जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं सिर्फ इनका यूज डिफरेंस है देखिए इन वर्ड को वूज होम सेल्सो यूज एज इंट्रोगेउन इनफेक्ट दे आर यूज इन द इंट्रोग केस इस तरह से ये सेंटेंसेज देखिए वट इज येवरेट सब्जेक्ट विच जैकेट इज योअर्स आपकी जैकेट कौन सी है हु वाज देयर विद यू आपके साथ कौन थाडमायर दोस्ट यू कैन सी ऑल दीजनाउं सेम एज लर्न इन रेलेटिव प्रोनाउन्स बट देयर दूस इज डिफरेंट दे आर क्लासीफाइड नॉट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ देयर मीनिंग बट एन देश ऑफ देयर फंक्शन एंड रोल दे परफॉर्म लेकिन यहाँ भी रूल वही है जैसे कि आप देख रहे हैं कि वट यूज किया गया है सिंगुलर के लिए सिंगुलर And non-living, which jacket is your which is also used for non-living. Who was there with you? Who is used for the person? Whose bike is this? Whose can be used for person and things both? Home do you admire the most? Home is also used for the person. I hope you have enjoyed this lesson. See you in the next video.